साल 2011 में आईपीएस संजीव भट्ट ने सुप्रीम कोर्ट में मोदी के खिलाफ एक गवाही दी और उसी शाम गुजरात सरकार ने एक 20 साल पुराना केस खोल दिया। संजीव भट्ट को फंसाने की तैयारियां शुरू हो गईं और भट्ट पर आरोप लगाया गया कि जब वे जामनगर जिले में 1990 में एएसपी हुआ करते थे तो कथित तौर पर उनकी कस्टडी में प्रभुदास वैष्णानी नाम के एक शख्स की मौत हो गई। उन पर एक दशकों साल पुराना केस और लगा दिया गया। ये दूसरा केस था फर्जी ड्रग प्लांटिंग का। इसके बाद संजीव भट्ट के घर पर बुलडोजर चला दिया गया और अंत में साल 2019 में जामनगर की लोकल कोर्ट ने संजीव भट्ट को उम्र कैद की सजा का फरमान सुना दिया गया। ये सब पुराने केस थे जिनमें संजीव भट्ट निर्दोष पाए गए थे। दो दो बार भाजपा सरकार आई, कोई दिक्कत नहीं रही, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गुजरात दंगों की द्वारा जांच हुई और साजिशों के खुलासे के लिए साल 2008 में एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी ने संजीव भट्ट को बुलाया तो संजीव भट्ट को निर्देश दिया गया कि सरकार के समर्थन में बोलना है, लेकिन संजीव भट्ट ने वही काम किया जो एक निष्पक्ष अधिकारी के रूप में उन्हें करना चाहिए था। जब एसआईटी में दी गवाहियों को लेकर संजीव भट्ट ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट जमा कराया, ठीक उसी शाम गुजरात सरकार ने कस्टोडियल डेथ का यह 20 साल पुराना केस खोल दिया। परिणाम ये हुआ कि आईपीएस की उनकी नौकरी गलत तरीके से छीन ली गई, एमसीडी द्वारा उनके घर पर बुलडोजर चलवा दिया गया और कस्टोडियल डेथ का फैसला आने से पहले ही फेक ड्रग प्लांटिंग के दशकों साल पुराने केस में उन्हें जेल में डाल दिया गया। पिछले 4 साल से संजीव भट्ट जेल में हैं। जेल में रहते ही उन्हें 1990 के कस्टोडियल डेथ के मामले में साल 2019 में उम्र कैद की सजा सुना दी गई। यह इंटरेस्टिंग बात यह है कि एनसीआरबी का डाटा बताता है कि गुजरात में साल 2001 से लेकर साल 2016 तक, यानी भाजपा के ही 16 साल के शासन में कुल 180 कस्टोडियल डेथ हुई, लेकिन आज तक एक आईपीएस अधिकारी को कोई सजा नहीं मिली, सिर्फ संजीव भट्ट को सजा मिली। इसलिए आज के इस एपिसोड में हम पड़ताल करेंगे आखिर क्या था यह दशकों साल पुराना कस्टोडियल डेथ का मामला और मोदी के खिलाफ बोलने वाले संजीव भट्ट को कैसे दी गई उम्र कैद की सजा। नमस्कार, मैं श्यामीरा सिंह। आईआईटी मुंबई से एमटेक की पढ़ाई करने के बाद संजीव भट्ट ने देश की सबसे कठिन यानी कि यूपीएससी की परीक्षा पास की और इन दोनों ही जगह संजीव भट्ट टॉप करने वालों में से रहे। खेलों में टॉप रहे, पढ़ाई में टॉप किया, जब आईपीएस की ट्रेनिंग हुई तो आईपीएस में भी टॉप करने वालों में से रहे। साल 2003 में अमित शाह की एक बात न मानने पर जब साबरमती जेल से उनका ट्रांसफर कर दिया गया तो वहाँ के 3000 कैदियों ने 6 दिन तक भूख हड़ताल की और उन्होंने ये मांग की कि उन्हें संजीव भट्ट वापस चाहिए। क्यों? क्योंकि संजीव भट्ट ने कैदियों के इलाज के लिए व्यवस्थाएं की, उनके खाने पीने के लिए सही व्यवस्थाएं की, मनोरंजन के लिए प्रबंध किए, जेल व्यवस्था को बदल कर रख दिया। और जब संजीव भट्ट से पूछा गया कि साबरमती जेल के कैदी आपके ट्रांसफ़र के लिए भूख हड़ताल क्यों कर रहे हैं तो संजीव भट्ट ने जवाब दिया कि मैंने कैदियों के साथ बस वही व्यवहार किया जो इंसानों के साथ किया जाना चाहिए। साबरमती जेल के कैदियों से भी इंसानी संवेदनाएं रखने वाले संजीव भट्ट के खिलाफ एक ऐसे कैदी की मौत का इल्ज़ाम लगाया गया जिसकी मौत जेल में हुई नहीं, जिसकी मौत जमानत पर बाहर आने के बाद एक अस्पताल में हुई, वो भी मारपीट से नहीं बल्कि किडनी फेलियर के कारण। संजीव भट्ट को उस केस में सजा दी गई जिस केस में ये तथ्यात्मक रूप से प्रूव तक नहीं किया जा सका कि वो कैदी कभी 21 दिन संजीव भट्ट की कस्टडी में रहा या उनकी टीम की कस्टडी में रहा। दरअसल साल 1988 में आईपीएस ज्वाइन करने के बाद 10 अक्टूबर 1990 में संजीव भट्ट को जामनगर में एएसपी के रूप में अपनी पहली पोस्टिंग मिली। एक जिले में सबसे बड़ा शीर्ष पुलिस अधिकारी एसपी होता है, लेकिन वो अकेले सभी चीज़ें हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए जिले को कई हिस्सों में बांटा जाता है जिन्हें संभालने का जिम्मा एएसपी नाम के अधिकारियों को दिया जाता है। उसी तरह जामनगर जिला भी 3 हिस्सों में बटा हुआ था, एक शहरी, एक ग्रामीण और एक खंबालिया क्षेत्र इलाका। संजीव भट्ट को जामनगर ग्रामीण क्षेत्र का एएसपी बनाया गया। 6 दिन बाद ही संजीव भट्ट को खंबालिया क्षेत्र का अतिरिक्त भार भी दे दिया गया। ये वो दौर था जब रथ यात्रा पर सवार लालकृष्ण आडवाणी के कारण पूरे देश में सांप्रदायिक माहौल तैयार हो गया था। तभी आडवाणी की रथ यात्रा को बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार के द्वारा रोक लिया गया। ऐसे ही आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद देश के अलग अलग इलाकों में सांप्रदायिक हमले हुए, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के घरों पर हमले हुए, दुकानों को जलाया गया। ऐसे ही 24 अक्टूबर 1990 के दिन जामनगर जिले में सांप्रदायिक हमले होने लगे, अल्पसंख्यक समाज के घरों और दुकानों को तोड़ा जाने लगा। उस वक्त खंबालिया क्षेत्र में विजिट करने के लिए आईपीएस संजीव भट्ट निकले हुए थे,
तभी पुलिस कंट्रोल से उन्हें विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं के द्वारा किए जा रहे सांप्रदायिक हमलों के बारे में सूचित किया गया। उन्हें कहा गया कि जामनगर के शहरी क्षेत्र के ASP प्रवीण गोंडिया छुट्टी पर हैं, इसलिए आप शहर में आ जाइए सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए। तत्काल उन्हें जामनगर के शहरी इलाके का ASP का एडिशनल चार्ज दे दिया गया। संजय भट्ट ने तुरंत ही दंगों को रोकने के लिए बंदोबस्त शुरू कर दिए। चूंकि राज्य भर में सांप्रदायिक हिंसा की घटना घट रही थी, इसलिए IPS प्रवीण गोंडिया को छुट्टियों से वापस बुला लिया गया। साथ ही IPS मोहन झा को भी उनकी मदद के लिए पोरबंदर से ट्रांसफर कर जामनगर भेज दिया गया। जामनगर शहरी इलाके के रेगुलर ASP के लौट आने के बावजूद संजय भट्ट को जामनगर शहरी इलाके की दो चौकियों के क्षेत्र पर नजर बनाए रखने के लिए कहा गया, जो दंगों के लिए संवेदनशील इलाके हुआ करते थे। इसी दौरान विश्व हिंदू परिषद और भाजपा ने 30 अक्टूबर के दिन भारत बंद का ऐलान कर दिया। संजीव भट्ट ने संवेदनशील इलाकों में गश्तियां लगाई ताकि संभावित दंगों को रोका जा सके, लेकिन आडवाणी की रथ यात्रा रोके जाने के विरोध में हुए इस भारत बंद के दौरान देश भर में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। इसे लेकर संजीव भट्ट ने अपने बयान में कहा है कि जामनगर के कई इलाकों में हाईवे और ट्रैफिक जाम को जाम किया जाने लगा, तभी उन्हें कंट्रोल रूम से खबर मिली कि जमजोधपुर नाम की जगह पर एक मस्जिद में आग लगा दी गई है और सिचुएशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। करीब 12:30 बजे संजीव भट्ट अपनी टीम के साथ जमजोधपुर इलाके पहुंच जाते हैं। जिले की बिगड़ती हालत को देखते हुए कलेक्टर ने जिले में धारा 144 लगा दी। संजीव भट्ट के अनुसार, मेरी पहली जिम्मेदारी उन लोगों को नियंत्रण में लाना था जो दुकानों को जलाने में और हिंसा फैलाने में लगे हुए थे, और धारा 144 को लागू करना मेरी पहली प्राथमिकता थी, इसलिए आवश्यक फोर्स तैनात की। 13 अलग अलग स्थानों पर आंसू गैस का प्रयोग किया गया और 30 दिसंबर 1990 के दिन यानी सेम दिन संजीव भट्ट के अनुसार सड़कों और रास्तों से दंगाइयों को हटाने के बाद मैं 1:30 बजे जमजोधपुर पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां मुझे लोकल पुलिस ने बताया कि 15 अलग अलग सांप्रदायिक घटनाओं को देखते हुए टाड़ा कानून के तहत एक FIR रजिस्टर की गई है और 133 लोगों को अरेस्ट किया गया है जो सांप्रदायिक हिंसा में शामिल थे। ये गिरफ्तारियां सुबह के 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में हुई थी। संजीव भट्ट ने लोकल कोड के आगे अपने लिखित बयान में कहा है कि मुझे CPI भंवाद KN पटेल और PSI मिस्टर ठाकुर ने बताया कि पुलिस को दंगाइयों पर नियंत्रण पाने के लिए आवश्यक बल का इस्तेमाल करना पड़ा था। कुछ दंगाई कुछ दुकानों में आग लगाकर भाग रहे थे, जिसके कारण कुछ को मामूली इंजरी भी आई है। इसके बाद मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर CPI KN पटेल के साथ दंगा प्रभावित क्षेत्रों में गया। जिले के अलग अलग हिस्सों में आवश्यक बल बुलाकर क्षेत्र में मार्च किया और करीब 3:30 बजे जेल के कलेक्टर IAS हरी भाई पटेल भी वहां पर आए। उन्हें भी मैंने पुलिस के द्वारा दंगे नियंत्रण करने के लिए जो कार्रवाइयां की गई हैं उनको लेकर ब्रीफ किया, और इसके बाद DSP TS बिष्ट के साथ करीब 7:00 बजे जमजोधपुर पुलिस स्टेशन वापस लौट आया। इसके बाद दंगा पीड़ितों के बयान लिए और उन्हें वेरीफाई किया, तभी मुझे जमजोधपुर पुलिस स्टेशन ने वायरलेस पर कहा कि IPS मोहन झा ने मुझे एक मैसेज भेजा है जो उन्हें गृहमंत्री ने निर्देशित किया है। इस मैसेज में लिखा था, माननीय गृहमंत्री जी की सूचना के आधार पर आज के दिन जमजोधपुर में जो केस दर्ज किए गए हैं उन अपराधों में टाड़ा की धारा नहीं लगाई जानी चाहिए और इस बात की जानकारी रखी जाए। संजय भट्ट के अनुसार ये एक इलीगल ऑर्डर था, साथ ही भेदभावपूर्ण भी था, क्योंकि जहां मुस्लिम आरोपी होते थे वहां भी टाड़ा लगाया जाता था। ये मैसेज मिलने के बाद मैंने IPS मोहन झा को वायरलेस पर सूचित किया कि जो आगे केस रजिस्टर किए जाएंगे उनमें टाड़ा नहीं लगाया जाएगा, लेकिन जो केस दर्ज हो चुका है उसमें से टाड़ा नहीं हटाया जाएगा और वो जारी रहेगा। संजीव भट्ट ने लोकल कोर्ट में कहा कि मैं 12:30 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचा था और मुझसे पहले ही 133 दंगे के आरोपियों को लोकल पुलिस के KN पटेल, PSI ठाकुर और महाशंकर जोशी की टीम ने अरेस्ट कर लिया था, और मेरे और अन्य पुलिस अधिकारियों के ऊपर जो बाद में केस लगाया गया है वो राजनीतिक बदला लेने के लिए एक क्लासिकल केस है, क्योंकि जनता दल के मुख्यमंत्री रहे चिमन भाई पटेल और गृहमंत्री नरहरि अमीन दोनों ही पटेल समुदाय से आते थे, और 1 नवंबर 1990 को यानी घटना के 2 दिन बाद ही गुजरात विधानसभा में विश्वास मत पारित होने जा रहा था, जिसमें कि उन्हें अपनी सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों के ही पटेल विधायकों की समर्थन की जरूरत थी। चूँकि अधिकतर दंगे के आरोपी पटेल समुदाय से आते थे और मैंने टाड़ा हटाने से इनकार कर दिया था, इसलिए गृहमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को खुन्नस हो गई। दंगे के 133 आरोपियों को बाद में लोकल थाने में ही रखा गया
और गिरफ्तारी के अगले दिन ही उन्हें इन 133 आरोपियों को लोकल कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 7 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी यानी कि न्यायिक हिरासत में जामनगर की जेल में भेज दिया। यानी वे अब लोकल पुलिस की कस्टडी से जुडिशियल कस्टडी में आ गए, जिसकी जिम्मेवारी जेल पुलिस की होती है, जिससे संजीव भट्ट का दूर दूर से नाता नहीं है। यानी ये जो पूरा एक मामला है, पूरा सिर्फ एक दिन का मामला है। जब लोकल कोर्ट ने इन 133 दंगे के आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, तो एक हफ्ते तक ये जेल में रहे। निर्दोष लोगों पर हमला करने वाले इन लोगों पर टाड़ा का मुकदमा किया गया, लेकिन एक हफ्ते बाद ही 8 नवंबर 1990 के दिन लोकल कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। इन्हीं 133 दंगे के आरोपियों में से एक थे प्रभुदास वैश्वानी और उनके भाई रमेश वैश्वानी, जिन्हें लोकल पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया था। ना तो इन्होंने लोकल कोर्ट के सामने जब इन्हें पेश किया गया था तब शिकायत की कि पुलिस ने हमारे साथ कोई टॉर्चर किया गया है। हालांकि मामूली चोट वाले 7 दंगे के आरोपियों को लोकल कोर्ट ने ट्रीटमेंट के लिए भेजा भी था, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने इन दोनों भाइयों ने चोट के बारे में नहीं कहा। जेल में जाते वक्त और जेल से छोड़ने के वक्त भी इन्होंने किसी टॉर्चर या चोट की शिकायत नहीं की। जेल से आने के बाद 12 नवंबर के दिन प्रभुदास वैश्वानी को स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के दौरान भी संजीव भट्ट के खिलाफ उनके और उनके परिवार के द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई, लेकिन 18 नवंबर के दिन राजकोट के एक अस्पताल में इलाज के दौरान प्रभुदास वैश्वानी की मौत हो जाती है। यानी जमजोधपुर पुलिस के द्वारा की गई गिरफ्तारी के 20 दिन बाद जाकर प्रभुदास वैश्वानी के हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भी बाहरी और आंतरिक चोट या टॉर्चर की बात नहीं आई है। प्रभुदास वैश्वानी की मौत का कारण किडनी से संबंधित रब्डोमाइलोसिस बीमारी को माना गया, यानी किडनी फेलियर से प्रभुदास वैश्वानी की मौत का कारण माना गया। लेकिन रब्डोमायोलिसिस का कारण क्या रहा होगा, इसे लेकर अलग अलग ओपिनियन है। प्रभुदास वैश्वानी का परिवार और उनका भाई राजनीतिक रूप से विश्व हिंदू परिषद आदि से जुड़े हुए थे। प्रभुदास वैश्वानी के परिजनों ने आरोप लगाया कि संजीव भट्ट और अन्य पुलिसकर्मियों के टॉर्चर के कारण ऐसा हुआ है, टॉर्चर के कारण ही उनकी किडनी फेल हुई है। चूंकि प्रभुदास वैश्वानी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थे और उस वक्त राज्य में गैर भाजपाई सरकार थी, इसलिए इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ना शुरू कर दिया। और मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल भी पटेल समुदाय को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए इस मामले की जांच का जिम्मा CID क्राइम अहमदाबाद को दे दिया गया कि क्या वाकई पुलिस के टॉर्चर के कारण ही प्रभुदास वैश्वानी की मौत हुई है या किडनी फेलियर से हुई है। CID क्राइम ने प्रसिद्ध नेफ्रोलॉजिस्ट और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किडनी के डॉक्टर HL त्रिवेदी को सभी मेडिकल रिपोर्ट्स, ट्रीटमेंट पेपर्स और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भेजी, लेकिन HL त्रिवेदी ने ओपिनियन दिया कि प्रभुदास वैश्वानी की मौत टॉर्चर या चोट से नहीं हुई है। इसके अलावा प्रभुदास वैश्वानी के शरीर पर आंतरिक और बाहरी दोनों ही रूप से चोट के निशान नहीं पाए गए। CID ने जब जमजोधपुर के इंस्पेक्टर, जिसने कि प्रभुदास वैश्वानी और अन्य अराजकता फैलाने वालों को अरेस्ट किया था, उनसे पूछताछ की, तो उसने भी कन्फर्म किया कि किसी भी पॉइंट पर प्रभुदास वैश्वानी या अन्य किसी आरोपी को संजीव भट्ट या उनकी टीम को नहीं सौंपा गया था। जांच में पूछताछ किए गए किसी भी पुलिसकर्मी, हेड कांस्टेबल, लॉकअप के पुलिस अफसर, होम गार्ड्स, जेल स्टाफ, जेल के SP या जेलर ने अपनी तरफ से किसी ने भी कन्फर्म नहीं किया कि किसी भी पॉइंट पर उन्होंने संजीव भट्ट द्वारा मृतक प्रभुदास वैश्वानी को कस्टडी में लेते हुए देखा था। सबने मना किया कि संजीव भट्ट का इन 133 दंगाइयों की गिरफ्तारी से या कस्टडी से कोई भी नाता नहीं था। इन 133 दंगाइयों की गिरफ्तारियां जो भी हुई वो लोकल पुलिस के थाने के द्वारा की गई, ना कि संजीव भट्ट के द्वारा, और उन्हीं की कस्टडी में वे एक दिन रहे, जिसके बाद उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। हो सकता है लोकल पुलिस ने अराजकता फैलाने वाले दंगाइयों को काबू में करने के लिए थोड़ी मशक्कत की हो, लेकिन संजीव भट्ट ASP होने के नाते जांच में पूछताछ किए गए किसी भी पुलिसकर्मी, हेड कांस्टेबल, लॉकअप के पुलिस अधिकारी या होम गार्ड्स, जेल स्टाफ, जेल के SP, जेलर, किसी ने भी कन्फर्म नहीं किया है कि किसी भी पॉइंट पर उन्होंने संजीव भट्ट द्वारा मृतक प्रभुदास वैश्वानी को कस्टडी में लेते हुए देखा था। सबने मना किया कि संजीव भट्ट का इन 133 दंगाइयों की गिरफ्तारी से कोई भी नाता नहीं था। जो भी गिरफ्तारियां की गईं वह लोकल पुलिस थाने के द्वारा की गई थी और उन्हीं की कस्टडी में वे एक दिन तक रहे थे और उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। हो सकता है लोकल पुलिस ने अराजकता फैलाने वाले दंगाइयों को काबू में लेने के लिए थोड़ी मशक्कत की हो, लेकिन संजीव भट्ट ASP होने के नाते किसी खास अराजकता फैलाने वाले को नियंत्रित किए होंगे, ये बात प्रूव नहीं हुई। करीब 2500 पेज के सबूतों,
वायरलेस मैसेजों और 200 से अधिक गवाहियों से कंफर्म नहीं हुआ कि प्रभुदास वैश्नानी संजीव भट्ट की कस्टडी में कभी रहे थे। जब सीआईडी की पूरी जांच में ये सिद्ध नहीं हो सका कि प्रभुदास वैश्नानी या अन्य कोई भी दंगे का आरोपी कभी संजीव भट्ट या उनकी टीम की कस्टडी में कभी रहा था या उन्होंने कभी पूछताछ भी की थी, तो इसके बाद जब ये सिद्ध नहीं हुआ तो केसीभाई पटेल की गुजरात सरकार के गृह मंत्रालय ने 22 मार्च 1995 को संजीव भट्ट और अन्य पुलिस अधिकारियों पर चलाए जा रहे इस मुकदमे को आगे चलाए जाने पर रोक लगा दी और आगे मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी गई। इस तरह साल 1990 का ये मामला एक तरह से 1995 में बंद हो गया, जिसमें कि संजीव निर्दोष साबित हुए। लेकिन साल 2011 में संजीव भट्ट को गुजरात दंगों की जांच कर रहे नानावती कमीशन ने पूछताछ के लिए बुलाया और जैसे ही उन्होंने गुजरात दंगों में मोदी की भूमिका को लेकर एफिडेविट जमा किया, जिसमें कि गोधरा कांड वाले दिन की शाम हुई मोदी की सीक्रेट मीटिंग और हरिन पांड्या की मौत को लेकर कुछ खुलासे किए और एसआईटी को जरूरी डॉक्यूमेंट्स की सीडी देने की बात कही, ठीक उसी शाम गुजरात सरकार ने संजीव भट्ट से जोड़ा ये 20 साल पुराना केस खोल दिया, जो संजीव भट्ट की गवाही से नाराज थी। जिस चीज़ को पहले गुजरात सरकार भी मानती थी, सीआईडी भी मानती थी कि टाडा के 133 आरोपियों को दंगों के समय अरेस्ट किया गया था और उसे ही बाद में पलट कर एक नई कहानी पेश की गई। जामनगर कोर्ट के जजमेंट के अनुसार स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि गुजरात सरकार के सरकारी वकील ने कहा कि इन कैदियों को खेतों से अपने घर आते समय अरेस्ट किया गया था, जब वे खेतों से काम करके घर लौट रहे थे, जिसके बाद थाने में उनके साथ टॉर्चर किया गया। इससे भी अधिक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस केस में लगभग सभी गवाहियां ओरल गवाहियां थी, यानी कि मौखिक तौर पर दी गई गवाहियां थी। जामनगर के लोकल कोर्ट के जजमेंट के अनुसार सरकारी वकील ने कहा कि जिस वक्त एक आरोपी को घर से ले जाया जा रहा था, उस वक्त उसकी पत्नी ने पुलिस को रोकने की कोशिश की, जिस पर कि आरोपी पुलिस ने कहा कि आज से हम ही तुम्हारे पति हैं। ये कोर्ट के जजमेंट में लिखा है, जिसमें कि संजीव भट्ट को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जबकि संजीव भट्ट की तरफ से बोलने वाले डिफेंस एडवोकेट ने कहा कि जिस दिन विश्व हिंदू परिषद द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया था और जामनगर में अल्पसंख्यकों के घरों पर सांप्रदायिक हमले किए गए थे, जिनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था, उनमें से किसी एक का भी बयान नई वाली जांच में नहीं लिया गया। डिफेंस एडवोकेट के अनुसार उस वक्त के समय ही जमजोधपुर पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर है, जिसमें कि अल्पसंख्यकों के घरों उनकी संपत्तियों को डैमेज करने की बात का जिक्र है, जिसका केस क्रमांक 96/90 है। संजीव भट्ट की तरफ से यानी डिफेंस एडवोकेट की तरफ से उस मेडिकल ऑफिसर के जर्नल के डॉक्यूमेंट्स भी पेश किए गए हैं, जिससे कि साबित होता है कि मुस्लिम समाज से आने वाले लोगों को ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया था। लेकिन फिलहाल केस की जांच कर रहे इन्वेस्टिगेटिव अधिकारियों ने उनके बयान ही नहीं लिए। कोर्ट जजमेंट के अनुसार संजीव भट्ट की तरफ से बोलने वाले डिफेंस वकील ने कहा, जिस मेडिकल ऑफिसर ने प्रभुदास वैश्नानी का पोस्टमार्टम किया, उसके अनुसार मृतक के शरीर के टिश्यू या मसल टूटी हुई नहीं है और ना ही कोई चोट मिली है। किडनी खराब होने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। डिफेंस के वकील ने कहा कि कैदियों के बयानों में ही कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। सबसे बड़ी बात कि इस घटना से पहले वे ना तो संजीव भट्ट के बारे में जानते थे, न संजीव भट्ट उनके बारे में जानते थे, क्योंकि उनकी पहली पोस्टिंग के 20वें दिन ही ये घटना घटी। दंगे के आरोपी जेल के दौरान भी संजीव भट्ट को नहीं जानते थे, उन्हें संजीव भट्ट के बारे में पता भी जेल से बाहर आने के बाद चला। संजीव भट्ट की तरफ से उनकी वीकली डायरी, उनकी गाड़ी के आवागमन की जो लॉग बुक होती है, उसको भी कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन माना नहीं गया। उन्हें ये कहते हुए ठुकरा दिया गया, ये तो खुद आरोपी यानी कि संजीव भट्ट के द्वारा ही तैयार की गई थी उस वक्त। सबसे बड़ी बात, उस वक्त जांच करने वाले अधिकतर जांच अधिकारियों के भी बयान नहीं लिए गए। जिस जमजोधपुर पुलिस स्टेशन की ये घटना है, उस पुलिस स्टेशन के सबके पुलिसकर्मियों के भी बयान नहीं लिए गए। बिना कोई तार्किक तथ्य दिए इन महत्वपूर्ण गवाहों को छोड़ दिया गया, संभवतः इसलिए क्योंकि इससे ये बात खुल जाती कि संजीव भट्ट का दंगे के आरोपियों की गिरफ्तारी और उनकी कस्टडी से कोई नाता नहीं है। पंचनामा के साक्षी रहे पुलिसकर्मियों के भी बयान नहीं लिए गए। 1990 से 1995 तक जांच में शामिल रहे पुलिस अधिकारियों के बयान नहीं लिए गए। जानबूझकर इन महत्वपूर्ण गवाहों को छोड़ा जाना और दंगे के पीड़ित रहे मुस्लिम समाज के लोगों के बयान न लिया जाना अपने आप में बहुत कुछ बयान करता है। संजीव भट्ट के पक्ष की तरफ से कई अपील करने के बाद और हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 3 IPS अधिकारियों के बयान लिए गए। ये 3 IPS अधिकारी थे HP सिंह, PP पांडे और TS बिष्ट, और इन तीनों के बयान
कहीं भी नहीं कहते कि भट्ट ने कुछ भी गलत किया था। इन बयानों को संजीव भट्ट के मामले में निर्णय देते समय क्यों छोड़ दिया गया, ये भी समझ से परे हैं। जमजोधपुर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर बीएल ठाकुर के बयान भी नहीं लिए गए, जिन्होंने कि पिछली जांच में कहा था कि दंगे के आरोपी संजीव भट्ट ने नहीं बल्कि मैंने अरेस्ट किए थे और किसी भी पॉइंट पर उन्हें संजीव भट्ट या उनकी टीम की कस्टडी में नहीं दिया गया था। संजीव भट्ट के इस मामले से जुड़े 300 करीब लोगों के बयान लिए जाने थे, जो कि पिछली जांच के समय भी लिए गए थे, लेकिन नई जांच में सिर्फ 32 लोगों के बयान लिए गए, जिनका उस वक्त की जांच से भी कोई संबंध नहीं था, जो संजीव भट्ट को निर्दोष साबित करते थे। अधिकतर बयान उनके ही लिए गए जिन्हें दंगों के आरोप में टाड़ा के अंदर जेल में बंद किया गया था। इन 32 गवाहों में से आधे से ज़्यादा गवाह यानी 18 गवाह वे लोग थे जो दंगे के आरोप में अरेस्ट किए गए थे। इस केस के अधिकतर तथ्य मौखिक गवाहों पर आधारित हैं, लिखित में बहुत ही कम साक्ष्य पेश किए गए। चूंकि इस 1990 के मामले में साल 2019 में जजमेंट आते आते 29 साल करीब पूरे हो गए थे, 29 सालों में गवाहों को कितना याद रहा, कितना भी झूठ बोले या कितना सच बोले, किसी दबाव में बोले या खुशी खुशी बोले, ये एक सवाल है। हो सकता है संजीव निर्दोष रहे हों और हो सकता है वे दोषी भी रहे हों, लेकिन दोषी थे तो गुजरात सरकार ने पहले उन्हें निर्दोष क्यों माना और CID ने उन्हें अपनी जांच में क्लीन चिट क्यों दी थी। सबसे बड़ी बात, गुजरात में मोदी 2-2 बार मुख्यमंत्री बनकर आए, लेकिन उन्हें संजीव भट्ट और कस्टोडियल डेथ के इस मामले से कभी कोई दिक्कत नहीं रही। वैसे में ये सवाल उठता है कि दशकों साल पुराने इस केस को तभी क्यों खोला गया जब संजीव भट्ट ने सुप्रीम कोर्ट में गुजरात दंगों के मामले में अपना एफिडेविट जमा कराया और मोदी के खिलाफ गवाही दी। खतरनाक ये नहीं है कि जांच में पहले क्या आया था और अब क्या परिणाम आए हैं, खतरनाक ये है कि पुलिस अफसरों को अपने काम में लेने और उन्हें दबाव में बनाए रखने के लिए फर्जी पुराने केस खोल देने की तकनीक गुजरात सरकार के द्वारा अपनाई गई। कोई दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जिस तरह दशकों पुराना ये केस खोला गया और चुनिंदा गवाहियां ली गईं और महत्वपूर्ण गवाहों को छोड़ दिया गया, ये गुजरात सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है, वो भी तब जब गुजरात में पिछले 16 सालों में किसी भी पुलिसकर्मी को कस्टोडियल डेथ के मामले में सजा नहीं हुई है। जबकि NCERB के डाटा के अनुसार साल 2001 से साल 2016 तक गुजरात में 180 कस्टोडियल डेथ हुई, लेकिन किसी भी एक सिपाही को सजा नहीं मिली, सिर्फ संजीव भट्ट को ही क्यों मिली? क्यों संजीव भट्ट को उनके एफिडेविट के बाद ही गुजरात सरकार ने टारगेट करना शुरू किया, ये एक बड़ा सवाल है। IPS संजीव भट्ट ने सुप्रीम कोर्ट में जमा किए अपने एफिडेविट में मोदी की भूमिका को लेकर क्या बड़े खुलासे किए जिनकी वजह से गुजरात सरकार उनके पीछे पड़ गई, इस सवाल के जवाब जानने के लिए आप संजीव भट्ट पर बनाए इस सीरीज के पहले एपिसोड को देख सकते हैं। संजीव भट्ट पर बनाई सीरीज का ये दूसरा और आखिरी एपिसोड है। फिर आऊँगा कोई कहानी लेकर, कुल्हाड़ियों से लड़ते हुए पेड़ों की कहानियाँ लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।